थोड़ा डर है और बात सही भी है, लेकिन ऐसे में वो यार उस लड़की से भेंट भी नहीं होता, बातें भी नहीं होती, तो कैसा लगेगा अगर किसी से आप दिन भर बातें करो यार, आप बातें होती रहे, यानी यूं कहे तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी अनजान से लेके जान पहचान की लड़की कोई भी उस पर इंप्रेस कैसे करे। यस, अभी का टाइम अच्छा है यार, घर पे हो तो वो भी घर पे ही है ना, तो सोशल मीडिया तो यूज़ करती होगी, और ऐसे में आज मैं आपको बताती हूँ कि कोई वो लड़की है ना उसे कैसे इंप्रेस करे जनाब अनजान से लेकिन जान पहचान तक। और पता है क्या, वो आपसे इंप्रेस भी हो जाएगी, फिर जब आपकी फ़ोन पर बातें होगी ना तो क्या कोरोना और क्या घर से निकलना, आप तो घर पर कोने में छुप के बतियाते रहोगे। तो आज बताती हूँ क्या करना है, इसके लिए वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर वन ट्रिक्स है, इस चीज को समझो, कोई लड़की अभी का टाइम कैसा है कि सब घर पर है, ओके, क्योंकि टाइम ही ऐसा है घर से नहीं निकलना है, सरकार की ऐसी पाबंदियाँ हैं, तो घर पर सब कोई बैठे बैठे बोर होंगे और ऐसे में मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, मैं भी खुद करती हूँ इसीलिए बता रही हूँ, तो ऐसे में वो लड़की भी बोर ही होगी, वीडियोस बनाती होगी या फिर फेसबुक टिकटॉक इंस्टाग्राम कहीं पर तो मैसेज करती होगी, और ऐसे में मैसेज करती होगी, आज का जो वायरल टॉपिक है इसी के बारे में, तो जब इस चीज़ के बारे में वो कुछ भी पोस्ट करती है आपको उस पोस्ट में रिप्लाई करना है, इस बात को नोटिस करो, इस पोस्ट में रिप्लाई करना है और फिर उससे बातें आगे बढ़ाना है कि यार लाइफ कैसी हो गई है ना, फिर वो बोले कि हाँ यार घर पे बहुत बोर हो रही हूँ, तो तुम्हें बोलना है यार मैं भी बोर हो रहा था लेकिन अब नहीं, तो वो बोलेगी क्यों, तो तुम्हें बोलना है यार आपसे जो बात कर रहा हूँ। अब ये हो गई हल्की सी फ्लर्टिंग, स्टार्टिंग में आपने हल्की सी फ्लर्ट की लेकिन इस टाइप से किया ना कि उसे बुरा भी नहीं लगा, अब ऐसे बात स्टार्ट करना है, उसे बोलो कि पढ़ाई हो रही है, घर पर क्या कर रहे हो, और फिर दूसरा नंबर पर आता है कि जब बातें आगे बढ़ रही है, जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है ना, तो उसे बोलो कि यार पता है मैं ना पहले बहुत बोर होता था लेकिन अब तुमसे बात करने से इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं घर पे हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचो तुम्हारे साथ और दोस्ती बढ़ेगी तो कैसा लगेगा, तब तो मैं कभी भी बोर नहीं हूँगा, मुझे अपने लाइफ में मज़ा आएगा। इस टाइप से हल्का सा फ्लर्ट करते करते बातों को आगे बढ़ाओ, वो बात करेगी और फिर देखो अब क्या है, सिचुएशन ऐसा है कि वो तुमसे बात कर रही है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि उस बात को चलने दो। अब कुछ लड़के डेस्परेट जैसा दिन भर मैसेज करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है, आप घर पे हो वो भी घर पे है लेकिन फिर भी आपने आधा घंटा बात किया ना, अब कुछ बातों को अधूरा छोड़ के ऑफलाइन हो जाइए और फिर आधा घंटा एक घंटा बाद बात करने आइए, क्योंकि पता है आप अगर एकदम डेस्पो जैसे उससे बात करोगे ना तो नेक्स्ट डे उसे लगेगा यार मेरी तो उसके सामने बहुत भाव है, तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी। वहीं पर अगर आप बोलते हो ना उसे कि हाँ मैं बिजी था बोलो, तो उसे लगेगा कि आप उतना डेस्परेट नहीं हो रहे हो। इस चीज़ को आप जान पहचान के लिए भी लागू कर सकते हो, इस चीज़ को आप अनजान के लिए भी लागू कर सकते हो, ये टॉपिक ही ऐसी आप किसी से बात कर सकते हो, कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड होगा। दोस्तों ये था कि आप कोई भी जान पहचान से लेके अनजान लड़की से बात कैसे स्टार्ट कर सकते हो और उसे कैसे इंप्रेस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लेकिन लाइक करो और ना करो एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि 22 मार्च को हम लोग एक जनता कर्फ्यू रखेंगे, उस चीज़ पर जरूर शामिल होना, घर से मत निकलना दोस्त, ओके, और शाम में 5 बजे हम उन सबको रेस्पेक्ट भी करना जो लोग हमारे लिए इतना काम करते हैं। और ऐसे भी पता है ये कोरोना का जो लहर है ये बहुत फैल रहा है, मैं टॉपिक में तो इस चैनल पर नहीं बनाई हूँ, पर द क्रेजी गर्ल चैनल पर बनाई थी मैंने इस टॉपिक पे, तो इस चीज़ के लिए बस अगर हम 14 दिन तक सोचो, सब कोई जो भी पॉजिटिव है जो भी नेगेटिव है सब कोई अगर 14 दिन तक अपने घर पे ही रहे, ठीक है, तो क्या होगा, पता तो चल जाएगा किसी के अंदर कोरोना पॉजिटिव है, लक्षण है, और वो चीज़ वायरल भी नहीं होगी, किसी और को फैलेगा नहीं, तो खुद को क्वारंटाइन करके खुद को आइसोलेट करके हम इस बीमारी को हटा सकते हैं, लेकिन नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। अब आप इतने समझदार तो हो तो कुछ भी करो, कल इस चीज़ का हिस्सा ज़रूर बनना, और साथ ही कल शाम को 8:30 बजे मैं आपसे लाइव मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टा पर चाहो तो फॉलो कर सकते हो, मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर।